एबीसी चौगाई चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कार्बनिक अम्ल के बारे में। कार्बनिक अम्ल यानी कि ऑर्गेनिक एसिड। कार्बनिक अम्ल संसार में उपस्थित जो दो जगतों से प्राप्त किया जाता है, वनस्पति जगत और प्राणी जगत, यानी दोनों में से किसी भी जगत से इस अम्ल को प्राप्त किया जा सकता है। ये प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों होते हैं। तो आइए सबसे पहले कार्बनिक अम्ल के बारे में हम लोग देखें। कार्बनिक अम्ल क्या है, इसमें कौन से अभिक्रियाशील समूह होते हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसका सूत्र क्या होता है। तो आइए देखिए, कार्बनिक अम्ल यानी कि ऑर्गेनिक एसिड। कार्बनिक अम्लों में इस प्रकार के अभिक्रियाशील समूह होते हैं, इसमें कार्बोनिल समूह और हाइड्रोक्सिल समूह दोनों प्रकार के समूह ऐड होते हैं। इस प्रकार से इसमें अभिक्रियाशील समूह COOH होता है। तो इसका संरचना इस प्रकार से है, देखिए ये कार्बोनिल समूह है और ये हाइड्रोक्सिल समूह है। इस प्रकार से कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल मिलकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाते हैं और इसे कार्बोक्सिल मूलक भी कहा जाता है। कार्बोक्सिल मूलक यानी कि कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल दोनों में से, कार्बोनिल से कार्बो और हाइड्रोक्सिल में से हाइड्रो हटा करके ऐड कर दिया जाता है। इस प्रकार जो प्राप्त होता है वह कार्बोक्सिलिक यानी कार्बोक्सिल मूलक कहा जाता है। ये वसा अम्ल भी कहलाते हैं। इन कार्बोक्सिलिक अम्लों अथवा असा अम्लों को सामान्य सूत्र CnH2n+1.COOH या CnH2nO2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। कार्बनिक अम्ल कई प्रकार के होते हैं। तो इस श्रेणी के सबसे पहला कार्बनिक अम्ल है फार्मिक अम्ल। दूसरा है एसिटिक अम्ल। तीसरा है प्रोपियनिक अम्ल और चौथा है ब्यूट्रिक अम्ल। सबका एक अलग अलग अपना सूत्र होता है। पहला ये क्या है, फार्मिक अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल है, ये प्रोपियनिक अम्ल है और ब्यूट्रिक अम्ल है। तो आइए सबसे पहले हम लोग फार्मिक अम्ल के बारे में अध्ययन करें कि फार्मिक अम्ल क्या है, कहाँ पाया जाता है, इसका नामकरण फार्मिक अम्ल ही क्यों रखा गया है, इसे कैसे बनाया जाता है, इसके क्या गुण हैं, भौतिक और रासायनिक दोनों, इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है। तो आइए इन सब बातों की हम लोग चर्चा करें। सबसे पहले फार्मिक अम्ल की परिचय हम लोग जान लें और इसे कैसे बनाया जाता है। तो आइए एक नज़र फार्मिक अम्ल पर। तो फार्मिक शब्द फार्मिका शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा में फार्मिका का अर्थ होता है लाल चींटी, रेड एंड, यानी यह जो अम्ल है लाल चींटी आदि में पाया जाता है और लैटिन भाषा में इसे फार्मिका कहा जाता है। फार्मिका शब्द से ही इसका नाम फार्मिक अम्ल बना है, जो कि कॉमन नेम है, साधारण नाम है। आइए एक नज़र इसके सामान्य परिचय पर हम लोग देखें कि इसका अणु सूत्र क्या होता है, युक्ति सूत्र क्या होता है, संरचना सूत्र क्या है, इसका प्रसंस्करण क्या है, इसका नामकरण कैसे किया जाता है। तो आइए एक नज़र हम लोग देखें इसके सामान्य परिचय पर। देखिए लिखा है यहाँ पे फार्मिक अम्ल यानी फार्मिक एसिड। इसका सामान्य सूत्र देखिए यहाँ पे लिखा है CH2O2 और इसका युक्ति सूत्र है HCOOH। अणु भार इसका होता है 46 एटॉमिक मास यूनिट। इसका संरचना सूत्र इस रूप में है,
या इस रूप में इसका प्रसंस्करण है SP2, जो कि पहले ही बताया गया है कि जिस कार्बनिक यौगिक में सिंगल बॉन्ड होता है सिर्फ, उसमें SP3 होता है, जिसमें सिंगल और डबल दोनों होते हैं उसमें SP2 प्रसंस्करण होता है, और जिसमें सिंगल और ट्रिपल दोनों होता है उसमें SP प्रसंस्करण होता है। इसमें SP2 प्रसंस्करण है जिसका नामकरण नोमेनक्लेचर देखिए IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। इस प्रणाली के अनुसार अम्लों में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के संगत वाले पैराफिन के नाम में ई के बदले ओइक शब्द जोड़ दिया जाता है, जैसे मेथेन शब्द से ई हटा करके, ई शब्द हटा करके ओइक जोड़ देते हैं तो बन जाता है मेथेनोइक, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के एल्केन श्रेणी के ई को हटा करके उसके स्थान पर OIC यानी ओइक जोड़ देते हैं तो इसका नामकरण अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में हो जाता है। सबसे पहला है मेथेनोइक अम्ल, दूसरा एथेनोइक अम्ल, इस तरह से प्रोपेन से ब्यूटेन से आदि से बनाए जा सकते हैं। तो इसका फार्मिक अम्ल का IUPAC ने मेथेनोइक अम्ल होता है, यह इसका अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। तो अब हम लोग आए प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल कैसे बनाते हैं, तो फार्मिक अम्ल बनाने की विधि क्या है। ऐसे तो फार्मिक अम्ल बनाने के लिए प्लैटिनम ब्लैक की उपस्थिति में मेथनॉल का ऑक्सीकरण करा करके मेथेनोइक अम्ल बनाया जाता है। तो आइए इसका हम लोग प्रयोगशाला विधि यानी बनाने की विधि प्रिपरेशन देखें। तो आइए फार्मिक अम्ल बनाने की विधि प्रिपरेशन, बनाने की विधि है प्रिपरेशन इसका कि प्लैटिनम ब्लैक की उपस्थिति में, प्लैटिनम एक धातु है डी ब्लॉक के तत्व है, तो इस प्लैटिनम ब्लैक की उपस्थिति में मेथनॉल यानी कि मेथिल एल्कोहल को वायु या ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत करने पर मेथेनोइक अम्ल बनता है। ये मेथेनॉल यानी कि मेथिल एल्कोहल का सूत्र है, वायु के साथ हम इसको जोड़ देते हैं, प्लैटिनम ब्लैक यहाँ पर उपस्थिति है तो ये क्या प्राप्त होता है, फार्मिक अम्ल और ये जल। ये युक्ति सूत्र या अणु सूत्र के आधार पर सूत्र रिएक्शन है, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं संरचना सूत्र पे भी। मेथेनॉल का संरचना ऑक्सीजन के साथ यानी मेथेनॉल को अभिक्रिया कराने पर प्लैटिनम ब्लैक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करने पर फार्मिक अम्ल और जल बनता है। तो इस तरह से प्रयोगशाला में मेथेनोइक अम्ल यानी कि फार्मिक अम्ल बनाया जाता है। ऐसे तो और भी बनाने की बहुत सारी विधियां हैं पर ये महत्वपूर्ण विधि है। तो इसके बाद अब इस अम्ल का गुण क्या होता है, तो रसायन विज्ञान में गुण दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। तो सबसे पहले भौतिक गुण और उसके बाद रासायनिक गुण। तो आए हम लोग भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करें। अब फार्मिक अम्ल का भौतिक गुण और रासायनिक गुण, सबसे पहले भौतिक गुण देखिए, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण, यह अम्ल जो है द्रव रूप में पाए जाते हैं, लिक्विड होता है, यह एक विषैला यौगिक है जहरीला। ये तीसरा जो है यह जल में विलेय होता है, और ये चौथा ये लाल चींटी में, मधुमक्खी में, हड्डा में, बिढ़नी में आदि पाए जाते हैं। अब इसके बाद रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, यह NaOH से यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, यानी यह वसा अम्लों सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। ये जो सूत्र है फार्मिक अम्ल का सूत्र है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर सोडियम फार्मेट और जलवाष्प बनाया। ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है, यानी इसे विनेजर भी कहा जाता है, सिरका का यह सूत्र है, NaOH से अभिक्रिया कर सोडियम एसीटेट बनाता है और जल बनाता है। ये पहला रासायनिक गुण रहा। अब
दूसरा गुण क्या है, तो एल्कोहल से अभिक्रिया, तो फार्मिक अम्ल की अभिक्रिया मेथिल एल्कोहल यानी मेथेनॉल से कराने पर मेथिल फार्मेट बनता है। यह फार्मिक अम्ल का सूत्र है, यह मेथेनॉल का सूत्र है, दोनों आपस में अभिक्रिया करके मेथिल फार्मेट बनाया और जल बनाया। तो इस प्रकार से भौतिक और रासायनिक गुण को बतलाया गया। अब इसके बाद इसका क्या उपयोग है और प्रत्येक दिन की भांति पांच प्रश्न जो कि अब आप बताएं के अंतर्गत आएगा, तो आइए चलिए इसके उपयोग और होमवर्क की ओर। फार्मिक अम्ल के उपयोग देखिए, फार्मिक अम्ल के उपयोग में पहला है खाद्य पदार्थों के निर्माण में, कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में, ठंडे पेय बनाने में, औषधियों यानी मेडिसिन के क्षेत्र में, सुगंधित पदार्थ इत्र बनाने में और साबुन बनाने में। ये रहा इसका उपयोग फार्मिक अम्ल का। अब प्रत्येक दिन की भांति अब आप बताएं। पहला प्रश्न है मेथनोइक अम्ल का सूत्र लिखे, दूसरा सोडियम फार्मेट का सूत्र लिखे, तीसरा सिरका का सूत्र लिखे, चौथा सोडियम एसिटेट का सूत्र लिखे और पांचवा वसा अम्ल किसे कहते हैं। तो बस आज इतना ही और इसी के साथ कक्षा का समापन किया जा रहा है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।